हर हफ्ते की तरह बात को दी मीडिया में घटे कुछ किस्सों की करते हैं। हाल ही में उत्तराखंड में राहुल गांधी ने एक रैली में भाषण दिया। अपने भाषण में राहुल गांधी ने मोदी जी की बात कर मीडिया पर निशाना साधा। गंगा में बहुत लोगों ने स्नान किया, मगर ऐसा लगता है कि इतिहास में सिर्फ एक व्यक्ति ने गंगा में स्नान किया है, वो नरेंद्र मोदी, और किसी ने नहीं किया। बस एक व्यक्ति। और कोई गंगा में स्नान नहीं करता। वहां पे भैया योगी जी को परमिशन नहीं दी, बाकी को छोड़ो, राजनाथ सिंह जी, योगी ना, आप लोग परे हो जाओ, इस साइड खड़े हो जाओ। देश में किसान पिछले एक साल से ज्यादा दिल्ली बॉर्डर पर बैठे थे, अब वह घर की ओर जा रहे हैं। किसानों ने अपने आंदोलन से गोदी मीडिया को दूर ही रखा, क्योंकि मीडिया ने किसान आंदोलन के बारे में काफी कुछ गलत बोला था। जब भी मीडिया किसान आंदोलन को कवर करने जाता तो किसान गोदी मीडिया के पत्रकारों को वहां से भगा देते। कैसा लग रहा है आज? आ गई यादव, आपके जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? नहीं, रिकॉर्ड था करके थोड़ा, कोई कसूर नहीं है। हमारी तोप के पास मत खड़ो इसे। गोदी मीडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बड़ा वीडियो जीत गए, जय जवान, जय किसान। देश में अब बैंक कर्मचारी प्राइवेटाइजेशन के विरोध में धरने पर बैठे हैं, पर मीडिया में इसको भी दिखाया नहीं जा रहा। मीडिया अक्सर सरकार की तारीफ करने में लगा रहता है। हाल ही में मोदी जी काशी दौरे पर गए। एबीपी न्यूज ने वहां के लोगों से बात की। जब वे मोदी जी की आलोचना करने लगे तो आप खुद देखिए क्या हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं लोग जाएंगे मोदी जी की तरफ? भाई देखिए, विकास का मुद्दा होना चाहिए और राजनीति में धर्म नहीं लाना चाहिए, धर्म से दूर होकर के राजनीति होना चाहिए। चूंकि जब धर्म आएगा तो राजनीति में विवाद होगा, कभी हिंदू कभी मुस्लिम। लोग कहते हैं हिंदू खतरे में रहता है, ईसाई 1% है वो नहीं खतरे में है, सिख 1% है वो नहीं खतरे में है, केवल हिंदू 80% है तो खतरे में है, केवल ये बीजेपी का प्रोपेगंडा है और इस पे केवल धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं और इनसे कोई महंगाई और विकास से इनके कोई सारोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये लोग केवल केवल उद्माद फैला करके चुनाव जीतना चाहते हैं। दिलीप दास जी, क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने कॉरिडोर का लोकार्पण किया है, कितना असर डालेगा चुनाव में? बिल्कुल, काशी तो विश्वनाथ की धरती है और मुक्ति की नगरी है। हमको तो ऐसा लगता है कि सब लोग काशी की तरफ जा रहे हैं, गंगा वही जाता, गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति। अब इस सत्ता मुक्त होने वाले हैं और काशी विश्वनाथ जिसको अपना ले समझ लो उसकी मुक्ति होने वाली है। अब इस सत्ता से मुक्त होने वाले हैं और ये बहुत हो गया। 1984 से पूरा देश देख रहा है धर्म की राजनीति, धर्म के नाम पर राजनीति कब तक चलेगी? आखिरकार विरासत भी विकास भी, ये मंत्र जो बीजेपी के। मीडिया में डिबेट्स हम अक्सर देखते हैं, आप संसद की भी आज डिबेट देख ही लीजिए। संसद में किसी मुद्दे पर चर्चा जारी थी और पक्ष और विपक्ष के बीच में बहस शुरू हो गई, जिसे स्पीकर ओम बिरला कंट्रोल कर रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी, सर ये क्या जो लखीमपुर खेरी में माननीय आप प्रश्न हत्या हुई है, आप प्रश्न पूछिए। हाँ सर, वही उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ उसी के बारे में आप प्रश्न पूछिए। आप माननीय सदस्य, सर उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ सर, जो लखीमपुर खेरी में हत्या हुई है, आप प्रश्न, और जो मंत्री
उनका इन्वॉल्वमेंट है उसमें। माननीय सदस्य जहां कहा गया है, जहां कहा गया है कि कंस्पिरेसी है, आपके बारे में हमें बोलने देना चाहिए। जो यहां आपके मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर है, आप प्रश्न का वही मैं बोल रहा हूँ आपको। अरे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। तो जो उसने जो आप उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा उस पर समय उसमें उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पे पूछिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पूछिए। ये जो मंत्री है इसको आप प्रश्न पे बोले। आप पहले प्रश्न नंबर बोले। सरकार से निकाल देना चाहिए। नो, ये क्रिमिनल है और इसको किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। जब पत्रकार ने उनके बेटे को लेकर सवाल किया तो अजय मिश्रा पत्रकार पर ही भड़क उठे। इसके बाद देखिए मीडिया का क्या रिएक्शन था। अब संसद से लेकर सड़क तक अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग उठ रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने सवाल पूछे जाने पर एक पत्रकार पर बदसलूकी की। पत्रकार के साथ वो भड़क गए। सवाल ये है कि टेनी के साथ खून माफ क्यों है। पत्रकार के साथ वो भड़क गए। न्यूज नेशन के पत्रकार दीपक चौरसिया की एक वीडियो काफी वायरल हो रही है। उस वीडियो के वायरल होने के बाद उन्होंने एक स्पष्टीकरण भी दिया है अपने ट्वीट पर। उन्होंने लिखा है कि आप सभी को वीडियो देखकर जो लग रहा है वो पूरा सच नहीं है। सच ये है कि मेरे घर में शादी थी और बारात में ज्यादा डांस करने के कारण मेरे घुटने की पुरानी चोट दर्द होने लगी। शो चूंकि जिस मसले पर था उसे मैं छोड़ना नहीं चाहता था और शो पूरी तरह से ठीक जाए इसलिए मैंने पेन किलर खा ली। आपको बता दूं मेरे घुटने में हेयरलाइन फ्रैक्चर है। मेरी गलती ये थी कि पेन किलर ज्यादा मात्रा में लेने से साइड इफेक्ट होता है। ये बात मुझे नहीं पता थी इसलिए पेन किलर खाकर मेरी तकलीफ कम होने की बजाय बढ़ गई। वीडियो देखकर तरह तरह की बातें बनाई गई जो सच नहीं है। मुझे पत्रकारिता में 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं इसलिए मुझे किसी से पत्रकारिता के एथिक्स सीखने की जरूरत नहीं है। मीडिया में अक्सर ऐसा कुछ होता ही रहता है। कोई पैनलिस्ट चलते डिबेट में स्मोकिंग करने लगता है। नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे एबीपी न्यूज के अभिज्ञान प्रकाश जी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से हम आपको तो कभी डिबेट में हाथापाई तक हो जाती है। हमने घर के जाहिल किसने बोला? जाहिल किसने बोला? व्यक्तिगत कोई दिक्कत नहीं। चुप चुप। आपको इस हफ्ते की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहें पंजाब टुडे के साथ। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।